भाई तेज सिंह जी हैं वो राजस्थान केसरी हैं, इस बात को हम भी कह रहे हैं। अब हमारी यूपी में होते केसरी धीरी सिंह एक रामनगर वाले, अब ये दोनों पीर ही पीर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, प्रलय होगी। इसलिए आप चिकड़ी सुनिए और महान कवियों ने लिख दिया है, वो क्या लिखा है भैया जी कि भैया कई घाट से और उतरे एक ही घाट अपने अपने कर्म से सब है गए बारे। जब ये इंसान मां के गर्भ में रहता है तो भगवान से एक ही बात को कहता है, प्रभु मुझे इस नक से निकालिए, मैं बाहर जाकर के आपका नाम लूंगा। परंतु उस माया के मोह में आकर के सारी बातों को भूल जाता है। जब भक्त और भगवान की बातें हो रही है मेरे बुजुर्गो, तो कलयुग का भक्त भगवान के सामने खड़ा हो गया, एक ही बात को कहता है, प्रभु आपने मेरे लिए सब कुछ दिया पर एक चीज नहीं दी, वो क्या, इस समाज के अंदर मुझे इज्जत का नहीं बोल वाला चो नहीं दी। भगवान ने कही है, प्राणी जैसा तू कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा। कवि ने कलम को उठाया है, आप जैसे महान लोगों के लिए शब्दों को लिखा है, वो क्या लिखा है, भाई ब्राह्मण मिट जा तो दान से नेह करे और छतरी मिट जा तो कुदान के खाए से आलस के करे से किसान मिट जात विधवा मिट जात श्रृंगार के पवन के झकोरन से बादल मिट जात जा तू तेरो रोज घर जाए से अधर्म के करे से धनहुं घट जाए पर पाप मिट जाए तेरो राम नाम गुना। आइए चलते हैं, ये रंगीला राजस्थान है, आइए राजस्थान की ओर। भैया जी क्या लिखा है, अरे धरती दुल्हन सी सजती और काना की मुरलिया बजती यह मीरा संकट सहती और इस देश में गंगा बहती वो हिंदुस्तान हमारा तन मन है यहाँ काशी I'm
ऐसी नारी अरे खुद का खून बहाती, पन्ना जैसी नारी अरे खुद का खून बहाती। और भाई तेज सिंह जी कह रहे थे ये भी बात हकीकत है, जो हल्ला मचावे वाले तकाई भी तो पे घर गए सोए गए वे तो जाए। अब जो जिकड़ी के मेन श्रोता होते वो आपके बीच में है। कथा की ओर चलिए, तुलसीदास जी कहां जमुना जी की पार पर पहुंच गए। मन में सोच रहे जो मैं पाव धरू जमुना में ऐसा गोता खाऊं वो डूब भमर में जाऊं मैं अब ना बच जी। तो तुलसी खड़े खड़े भारी गुणा लगावे पर जाए बैयर की यादी। तुलसीदास जी जमुना जी के तीर पे खड़े हुए हैं और एक बात कह रही, वो क्या कह रही मैया जी, अरे कोई नावा नजर ना आवे तुलसी माना ही रे माना गावर जी के अंदर आ गई, उस पर बैठ गए और तुलसीदास जी पल्ली पार हो गए। द्वार पे तुलसी आयो है बंद जाए फाटक पायो है। मन में विचार कर रहे कि अब मैं कहां जाऊं, भाग दौड़ सब गई अब हर में। क्या कहा, भाग दौड़ सब गई अब हर में तुलसी रहो दुख पाइए, बड़े बड़े कष्ट झेल के आयो यहां बंद किवरिया। तो खड़े हो खड़े हो तुलसी भारी गुणा लगावे परी जाए बैयर की यादी। गेट लगा हुआ है, दरवाजा बंद है। तुलसीदास जी अपने मन में सोच रहे और भैया शिव सिंह जी क्या सोच रहे, अरे तुलसी करे विचार मेरे भारी तार कहां अब जाऊं अपनी प्यारी के आज तो मैं तरसन कैसे प्यारी के आज तो मैं दर्शन कैसे पाऊं।
आज देश में बड़ बड़े ठगिया और भारी धाम रचाई रहे। आज देश में बड़ बड़े ठगिया और झूठा हजार न बोले, पूरे दिन जनता ठग रे भारी झूठ बोले। अरे तत सबोरी भरे ना जकी और चाय मंडी में तोले, हरी कह ठेका पे जाए के बउआ को ढक्कन खोले। हरी कह ठेका पे जाए के बउआ को ढक्कन खोले। तुलसीदास जी खड़े हुए हैं, दरवाजे को छोड़ दिया तुलसीदास ने और पिछवाड़े की ओर चली गई। पिछवाड़े पर एक नजारा देख रही, आपने कथा सुनी है, रामायण भी देख सुनी है। अब वो तुलसीदास जी पिछवाड़े पहुंच गए और भैया गौरव क्या कर रहे हैं? अरे चारो ओर देख रहे और ठाड़ो दी खत नहीं कोई उपाय। देख रहे ठाड़ो दिखत नहीं कोई उपाय, ऐसो भयो इश्क में अंधो, ऐसो भयो इश्क में अंधो, जाकी अकल गई है बहुत राय। मरबो जीवो तक नहीं देखे, मरबो जीवो तक नहीं देखे, जैसी लइए लगन लगाए। होटन खावे तुलसी मन में, होटन खावे तुलसी मन में, पिछवाड़े पे पहुंचो जाए। भैया जी होटल ठावे तुलसी मन में, पिछवाड़े पे पहुंचो जाए। देखिए जम्मो पिछवाड़े को, देखिए जम्मो पिछवाड़े को, तुलसी मन में तय हो सिहाय। देखिए जम्मो पिछवाड़े को, तुलसी मन में तय हो समाय। होटल ठावे तुलसी मन में, सज्जनों
भैया कंपटीशन की बात कर रहा हूं और ये कह रहा है जिसको कह देना कि मैं तो हिंदुस्तान बन के जवाब दे रहा हूं, तू पाकिस्तानी बन के जवाब दीजिए। तो एक बात बताऊं, धियापतान की बात कर रहा हूं कि मुझ मुंडा क्यों सबन के दाढ़ी क्यों, तू ना जाने। पर मैंने तोते कही का ही पहले तो तेरी बुद्धि नहीं है, पर ही ना है बा मैं माटी का गुटर गुटा कंपटीशन तो याद है कि और तू सोने की गुड़िया तेरा तेरा प्यार हुआ तो यार बिगड़ गई दुनिया, पीछे पड़ी गई दुनिया जित पे हर गई दुनिया। भैया तो पतो खेना बताएगी, अब देख मैंने एक नर घुसायो, एक नर एक नारी, अब दो नारी होंगी, एक नर होगा और दो दूध में घुसेगो। कंपटीशन याद है कि लड़कन पहले तो बुद्धि पर जोर दे लीजो। सुनो, अरे लेखन से हमने लेख निकालो, उत्तर में ही दे रहा हूं या बना देवे को, और लेखन ते तेरे लेख निकालो और कथा तेरी पहचानी, जब जब भीतर घुस जावे आवे आखन में पानी, जमानो आज चक्कर में फंस गयो लड़कन, तू आज चक्कर में फंसो मेरे क्वेश्चन तो तू जब कर पहले मेरे उत्तर दे पहले, कंपटीशन तो यही देखे वैसे ही कह रही हूं बता के फिर के दाढ़ी मुंह से क्यों ना का बात भाई तेरी, कंपटीशन फिल्मी दुनिया का होता है। अरे लेखन ते तेरो लेख निकारो कथा मेरी पहचान, और जब जब हारमोनियम भाई साहब जब जब भीतर घुस जावे आवे आखन में पानी, लड़कन लड़कन आज चक्कर में फंस गयो जमानो तू देख के हंस गयो, आज चक्कर में फंस गयो जमानो यहां देख के हंस गयो। एक नारी में थे दूसरी नारी में दुर्वासा ऋषि गए, इसलिए उनका नाम उसी आधार पे दुर्वासा ऋषि नाम दिया गया है। भैया दियो गयो खाना दियो गयो वो ये पतो भी वो का पतो। अच्छा मैं यही बात है सबके बानो चाह रहा हूं कि तू ना पतो, लेकिन ये हमारे विद्वान बैठे हुए हैं, फिर सुन बड़ा ऋषि के ज्ञान तोरा था तो तू ऐसा करिया धोने गुन गुन नहीं होने भैया, तो मन में आया क्रोध जरा सा निकर के घुस गए फिर दुर्वासा, और लुढ़कन तेरी तीज लड़ाई और काट दई कहलानी, आज चक्कर में फंस गयो जमानो तू है देख के हंस गयो, आज चक्कर में फंस गयो जमानो तू है देख के हंस गयो। हाँ भैया जी ने आए के अपनी अपनी ठान ली, अब यह बात को निर्णय तो आप करेंगे के मैंने कही के नर नारी में घुसे को, भाई ने दूसरी बात जो छेड़ दी कोई भी चीज
जो हो उसकी अनंत बातें होती है। जैसे नॉन मिर्च चटनी बनाओ, चटनी ना बनने पहले तो तू या ध्वनि गुनगुना उत्तर दे। सुनिएगा आप, सुनिए और क्या फिर मैं फिर घुसाऊं, फिर नर नारी में फिर घुसाऊं, देख भेद दे। आपको भी मौका मिलेगा, अच्छा आपको मौका मिलेगा बताने के लिए, पर कोई कोई बात होती बड़ी गहराई से समझाई जाती है। जैसे नॉन मिर्च चटनी बनाओ, नाम चटनी होगा तड़का दे दो दार भलाई बन जाएगी, है वही चटनी। अब भाई से हमने पूछा और ये कहीं से कहीं चले गए, हमने पूछो ब्रह्मा जी के दाढ़ी मूछे और देव मुछ मुंडा के, वे तो नारी में घुस गई पर हम सुनिए हम भी घुसा रहे। छुप की क्यों बैठे पापी, छुप की क्यों बैठे पापी गहरे से ताल में, छुप की क्यों बैठे पापी गहरे से ताल में, बाहर रखूं आजा बेटा उस भर दूं ताल में, बाहर रखूं निकला लल्लू उस भर दूं ताल में। सुनो सरदारो, खाल में तो भूस जब भरेगो तू, पहले जो मैंने कही का तेने वो तर्ज में गुनगुनाई ना, कहां पहुंच गो ए नर 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 भूल गो भाई। सुन मेरी बात, तुम पर मारु पहमा, तुम पर मारु पहमा, तेरे बिल देवन घोड़ बात कह पलटन को, मेरी सबरी बात है पलट गो पलटन, मेरी सब बात है पलट गो और अपनी घुसाए हो। अरे मेरे टोकू दूसरो नर तो फिर मैं घुसाए दियो, तो तू तू ऐसो कर ब्रह्मा के दाढ़ी मूछ दू, तू उत्तर दीजो, मैं तो मेरे को दियो तू दीजो, पेंशन तो तेने कर दियो। अगर मैं उत्तर बता दूं तो ना कर गड़ी पर सर्त करो हाथ की। सुन तो पर मार पे मार, बात कह पलटन को, यप कटे ना एक बार, यप कटे ना एक बार, या जल सिंह पलटन को, यप कटे ना एक बार, या जल सिंह पलटन को। सजना मैं या बार की बात ना कर रहा हूं, बात लठिया को होए, बात तलवार को होए और बात शब्दन को होए, बात यानी कि यहां पे मेरी बात नहीं कही, वो मेरी कविता होगी ऐसी, तेरी कर दूं ऐसी तैसी, वो मेरी कविता होगी ऐसी, तेरी कर दूं ऐसी तैसी, यह बात न समझो वैसी, बात करेगो कैसी, यार बात न समझो वैसी, और की बात करेगो कैसी, और यम मर्ज पुरो है यार, यम मर्ज पुरो है यार, बात कर पलटन को, चुप कटे न एक बार, या जल सिंह पलटन को, अब क्या कहना है? यो बता तेरे पाम क्यों कांप रहे हैं, पब्लिक में माइक लेके जावे क्यों ना है? अच्छा है तो सारी बतला रहे, क्या कह रहे कि परयन ने होड़ करी, बोल दिया ये तो मैंने तेरे कान कहा है। सरपंच जी को पर्चा के मुंह तो भरेंगे, मैं बोल तो गया यार। कही भाई से हमने पूछा, वे बार पे गई बहु ले गए विष्णु जी सबने सुना है, बहु ले गए विष्णु जी सबने सुना है।
हमारी जब तक दाढ़ी मूछ नो जवाब नहीं ले लेंगो तब तक पीछे नहीं छोड़ूंगा। एक बात बता तू, तू पे मेरी को एक को जवाब ना लेगी और इस पब्लिक गवाह है, तू कहां आयो फिर सूधे रास्ता पे सुनो सुध जिकड़ी, क्योंकि तेरी दुकान में जो चीज ना मुझे बिक ली। हाँ अलग मत भागे भाई जी, पत्रा लेकर के आए सुना नहीं, बहू ले गए विष्णु जी सबने सुना है, अब ले जा ले जा ले जा नारद बीच में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सबकाज कहले भैया जी ने कहा अब तू ले जा झुंझुना है और दुबर दू बात, हम फिर दुबर दू बात ला रहे हैं। यही के पक्ष में आयो जी? नहीं नहीं नहीं, देखो मैं इनके पक्ष में ना आयो, और गाने की तर्ज क्या है, दिल ले गया बजाएंगे क्या इन राल रड़ुआन में, देखो जे लड़कन भैया यूपी के है के नहीं, जिन राल रड़ुआन में तू तू में है रही है रही ना है रही साहब, जिन राल रड़ुआन में तू तू में है रही है, और लड़कन भैया जी हाथी मारी मजा भी जमे लह रही है, जी हाथी मारी मजा भी जमे लह रही है, और देखो गौर कन्नो पतो लगाओ जिनमें कौन सो है दोषी, पतो लगाओ जिनमें कौन सो है दोषी, और लाल के पाम सुहागे न लागे है जा बेला, या अब आई बात की ओ, ओ अब आई बात की जनता दुहाई मजा भी जमीन रही है। देखिए हमारी जो कमेटी है उनका आदेश है, जितने भी कलाकार हैं वो कृपया करके स्टेज पे आ जाएं, और भाई सुरेंद्र से भी कुंतल साहब से निवेदन है आप भी आ जाएं, भाई तेज सिंह जी भी आ जाएं, स्टेज पर सभी आ जाएं। सुनो हाजी हाजी भैया जी का पूछ रहे तुम, लो माए के लो अब तो आती बारे में मर गए वो का करे बीच में ना, देखो माए के लेकर सामी जा ये 100 रुपए का पुरस्कार भाई साहब देते हैं, अगर कोई बिहार सगाई संबंध को राजस्थान से पहुंच जाए तो के तो जग आसई खोद रोए पर न्यू कंगे प्रधान जी
लेकिन भेद की बात ये सब के सब फसली ए जी भैया ने आवाज भैया ने कहा ये सब के सब फसली इनमें एक ना है असली ओ ये सब के सब फसली इनमें एक ना है असली लड़बे कु कमर कसली तुम सब जी है नकली इतने यूपी वाले और राजस्थान में आके टाल ठोके ना तू तो हमारो क्षेत्र पर जाए कछु हम शर्म कर जाए क्यों दूर दूर तक कैसे जाए तो यूपी बारे उन्हें भाई चौधरी इतनी बुरी मत क्यों करे भाई ये सब के सब फसली इनमें एक कौ ना असली मेरी भेद की बात हो रही सज्जन हो यहाँ गमार पर बात ना मिलेगी गजारी मूछ क्यों ना है ये सब के सब फसली इनमें एक कौ ना असली लड़बे कु कमर कसली ये सब ही है नकली अरे पैदा किए सबके सब अरे पैदा किए सबके सब मंत्र जा बता सके पैदा किए सबके सब मंत्र जा बता सके और मैया है एक तुम्हारी मैया है एक तुम्हारी अलग अलग बाप के मैया है एक तुम्हारी अलग अलग बाप के मैया है एक तुम्हारी अलग अलग बाप के भाई जी भैया जी बतला रहे भाई हमारी गलती तो जे भाई कहते राजस्थान में आए दे भाई भैया और भैया सुनिए पहले मुझे मौका दे दिया आप नहीं बोले ज्यादा तुम्हारे लिए समय मिलता है और मैंने कुछ भी नहीं कहा और आप बीच से पकड़ जाते हैं खैर कोई बात नहीं भैया तेरे को भरे प्रभु कहिए ना बहु ले गए बात चल रही है ना दल बदलू नहीं हो सकता मैं यूपी का हूं चलो ठीक है भैया जी आए राण और रडुआ बनाए गए बीच में और बैठे गए मजा लेके आती भाई बिल्कुल बैठे हम आती भाई बनाए चलो खैर कोई बात नहीं अब और भी आएंगे राजस्थान से निकल के एक एक कांटू ना आवे निकल करेंगे अब जब हमारी में लाली आ जाएगी यूपी बारी तो तुम में तो ये गुण नहीं पा भैया बोला लालिन को नाम ले रहो यानी कि तू तो बिल्कुल इस तरह ही गयो यार मर्द तो कंपटीशन है छोरे ने ला रो भी कहा था यार रुपयो 18 है लालिन ने बुलाया लो अब इतना जल्दी आ बेटा कलयुग है भैया जी कलयुग ऐसा नहीं है अभिमन्यु लड़ जाऊंगा पापी जयद्रथ कह रहे जो बताए वो अर्जुन कहां है जयद्रथ ने जवाब दे दिया कि वो नहीं है गांडीवधारी अर्जुन कह रहे हैं मैं तो भूपा लगू भैया जी बहु ले गए विष्णु जी सबने सुना है अवल ले जा ले जा ले जा नारद झुंझुना है अवल ले जा ले जा ले जा नारद झुंझुन भैया जी अरे बेसारा माई की जन ओढ़ी है सुंदरिया
छोड़ दे। नकल करना पाप होता है, नकल करना पाप होता है। नकल सुनिए, जब तुए मिल जाएंगे तो भी रह जाएंगे। अगर यूपी को आज मेल संग और तो दजे आती बारो मजा नहीं लेता। राजस्थान के तीने और तीन ये तेरी यूपी के बोला, मैं क्या करूं छोएगा तू मर जाओ भैया जी। बेसर माई की जाने ओड़ी है सुंदरिया, बंदर तू ला जो ये का छोटी सी बनारिया। बेसर दो दो बनरिया लेके आयो पर जगनार में, जगनार में, जगनार में बंदवा जो ये को टुन टुना है। अवल ले जा ले जा ले जा चल सिंह धुन जुना है। सम्मानिया योगी जी ने कितने का स्टे लगा दी है यूपी में, पहले 5000 में तुम 12 की डिग्री ले आ मऊ नकल बंद है ये पर्ची। राजस्थान में कहां से आए गो खाए वो का जाने तू उल्टी सीधी गाय रो है। कौआ तो चिल्लाई रहो जी बेसी समय बितायो, जब जाकी पे सफरी नाई तो फटुआ लायो है, जा की पिये सपरी नाई तो तग में फटुआ लायो है। स्वादु खीर को कहा जाने जाने जन्म से सतुआ आयो है। स्वादु खीर को न्याया सरदारों इनकी बुद्धि को पढ़ते तो मैं यो दू अपनी जी जीन की यूं कह रहो गए तेर काज में दो बंदरिया लाए हूं बिन दे ना जा स्टेज पे का करूं तो जब मुझे बचाए भी ना आ रहे तो ना तू कह रहो ना के तू को लाए हूं दो बंदरिया लावे ने और मुझे दे बात बारो तो बिन ने ला दे पर अरे सबसे ज्यादा हानि कारक और घास लेट को लड़वाए जी गवैया गारोए और जी रंडीन को बड़ुआए। हमारे भैया करो फटुआ के अरे तो जैसे गवैया मैंने सड़कन के धरैया देखे हैं, अरे तो जैसे गवैया मैंने सरकन के झरैया देखे हैं और अलवर शहर के चौराहे पे जूता गठवैया, और अलवर शहर के चौराहे पे जूता गठवैया देखे हैं। और सजना सुरंदर जी इधर आए आप बड़े असरे आ जाओ। अरे मट्टी पे अगर कपड़ा धुल जाए, धुल जाए और सोड़ने को पूछेगा, अरे मट्टी पे अगर कपड़ा धुल जाए और सोड़ने को पूछेगा। और सजना मेड़ की नाले ठुका लेंगी इन भोड़ने को पूछेगा। और सुनो या की जो मम्मी क्योंकि यूपी को हाल तो तुम जा नहीं है, हमारे यहां तो कम दूधिया मिलेंगे, इनके माऊ जाएंगे तो कम से कम अगर तुम 10 मिनट रोड पे चल लिए तो 10 दूधिया निकल जाएंगे और जौ को दानों के घर में नहीं मिलेंगे हैं। तो यही मम्मी आओ दूध पिला भाई और वह दूध आगू देखे थी। अरे पावर दूध तीन पा पानी, पावर दूध और तीन पा पानी इस मोटो हेरो
मैं बताऊं क्यों हेरोइन बता दूं पन्ना है बता इसे भैया नहीं होती है वैसे के भाई ज्यादा वो कर रहा हूं सुनो राजस्थानी गोरम बहुत अरे पावर दूध तीन पावाली और तो उन्होंने कन पेज लेना बेटी कम बजाओ अरे पावर दूध तीन पापाली और तौला ला पे झिलेना पर मम्मी कह रही है और राख चाट के जइयो बेटा तो भूत लगे ना आई ने कह दिया कि राख चाट के जइयो बेटा नहीं खैर यार मैं बोलला ना तू बहुत बोली हैं अरे चीत जिंदगी की अब तो हार हो गई है भैया अरे कुंतल साहब धारे है जाओ तुम्हारी कार काकियत है गो चाय पी रहे पहलवान अच्छा कौन थे हमारे भैया कह रहे पहलवान अरे सूर्य जिंदगी का और समाप्त हो न जाए लड़ो बेटा जब तक विजय प्राप्त हो न जाए लड़ो बेटा जब तक विजय प्राप्त हो न जाए अब आपके बीच में हमारे सम्मानीय राजस्थान केसरी भाई तेज सिंह जी आ चुके हैं और देखो वैसे वो चिकड़ी के सम्राट गायक है जो ये मनोरंजन हो रहा है कोई भी किसी गाने वाले से अनजाने में यूपी राजस्थान एक ही है कोई अलग से नहीं है पर भाई तेज सिंह जी से हम अनुरोध करेंगे वो इसी क्षेत्र के अलवर क्षेत्र के ही कोई यूपी वालों से या भटपुर वालों से गलती हो जाए तो आप वहीं शांत रहें आइए आपका स्वागत है पेटी पर गुरुदेव आए तेज सिंह जी और क्या लिखे भैया जी कह रहे थे राख चाट के जइयो बेटा तो को भूत लगे ना हमारी जो गायक बहन जी हैं सविता जी और कन्हैया जी एमल से उनके पापा मेरी आवाज सुन रहे हो तो सम्मान्य कमेटी उनको यहां बुला रही है सम्मान सहित आने का कष्ट रहे भाई जी बतला रहे थे लाख जात की जइयो बेटा तू को भूत लगे ना अरे इश्क में अंत्य छोरा अरे इश्क में अंत्य हो गए बंदे पुरखा इनके नरक पर ये जल सिंह जी सुनिए सुन रहा हूं हम तो लाख जात के जा रहे पर तुम का करने न जा रहा हवाल कहा कह रहो तू सूर्य जिंदगी का समाप्त हो न जाए लड़ो बेटा तब तक विजय प्राप्त हो न जाए और सुन लड़ लड़ मर गए बाप तुम्हारे मुझसे क्या लड़ पाओगे अरे लड़ लड़ मर गए बाप तुम्हारे मुझसे क्या लड़ पाओगे अगर लड़ोगे बेटा लड़ाई रण में मारे हम तो वैसे ही मरेंगे
लड़ लड़ मर गए बाप तुम्हारे, तुम क्या लड़िए पाओगे। अगर लड़ोगे मौत लड़ाई, अगर लड़ोगे मौत लड़ाई तो लड़ में मारे जाओगे। और सो के सारे कुल का कहीं समाप्त हो न जाए, लड़ो बेटा जब तक विजय प्राप्त हो न जाए, लड़ो बेटा जब तक विजय प्राप्त हो न जाए। भाई शिव सिंह जी सामने आए, एक इनका गाना मैंने राजस्थान के अंदर सुना, बहुत ही बेहतरीन गाना, मनोरंजन से भरपूर गाना, जो पहले पन्ने पर नाम चल रहा है। आइए शिव सिंह जी सौरभ। मेरा प्रश्न चालू हो, वो भैया अग्नि देव मर्यादा में चले क्यों नहीं, और वो अग्नि पूछ में लगाई है, वो अग्नि पूछ में लगाई हनुमत चले क्यों नहीं, अग्नि पूछ में लगाई हनुमत चले क्यों नहीं। कारण बता, जब हनुमान जी की पूछ में आग लगाई गई, ऐसा का कारण हो जब आप पूछ नहीं लंका क्यों जलाई। और मैं पूछ रहा हूं लड़कन तोते, हो भैया अग्नि देव मर्यादा में चले क्यों नहीं, और अग्नि पूछ में लगाई अग्नि गिला बेटा जो से ठंडो कर, अग्नि पूछ में लगाई हनुमत चले क्यों नहीं, अग्नि पूछ में लगाई हनुमत चले क्यों नहीं। हाँ भैया लड़कन जवाब दे। और ये भाई साहब हमारे लिए 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बरबर धन्यवाद। हाँ जी भैया लड़कन पैसो आइएगा, पर अपना कोई तो बता दे प्यार होता है क्या, वो जैसे मुझे हो गया, ओ जैसे मुझे हो गया वैसे तुझे हो गया। और सुनेंगे सजना, अरे सतयुग में आपको, और सुन ले दूसरों, सतयुग में आपको मिटाने वाला बाप को विष्णु के पैर का पदम मशहूर है। चार पदम में बताऊंगो, पांचवो पदम ही भैया बतावे वो। सतयुग में आपको मिटाने वाला पाप को विष्णु के पैर का पदम मशहूर है। त्रेता में राम थे सफल किए काम थे, अंगद के पैर का पदम मशहूर है। द्वापुर में कृष्णा भजो राधे कृष्णा, कृष्ण के पैर का पदम मशहूर है। और कलयुग में कियो नाम कर कर युद्ध तमाम, कलयुग में कियो नाम कर कर युद्ध तमाम, मलखान के पैर का पदम मशहूर है।
बाद में पदम बताओ भैया। सजना एक बात और आई भैया की, हमारे भैया से कहरों से सीन से फट हुआ है जी। हलुआ खा के और कबहू मल्ल बने नाए, अरे घास लेट के हलुआ खा के कबहू मल्ल बने नाए, दंगल में जब ठारो है जब पिटुबिये में देर लगे ना। ए भैया अच्छा सुनिए था ये फरमाश तो मैं ठीक ही, अगर किसी हमारे कलाकार से किसी भी से या भैया से हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो हम आपसे क्षमा याचना चाहते हैं। हाँ जी हो रही